भाइयों और बहनों, भारत मजबूत तभी हो सकता है जब असम मजबूत होगा, नॉर्थ ईस्ट मजबूत होगा। यही प्रयास केंद्र और असम की एनडीए सरकार किया है। यहां के हम ये हमारे तमाम साथी, एनडीए के सभी घटक, असम में भी और दिल्ली में हम भी ये विकास के ही कामों में लगे हुए हैं। साथियों, उन लोगों को तो चौकीदार से तो नफरत है ही, चाय वालों से भी ये तिल मिलाए हुए हैं। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ ये एक चाय वाला ही इनके निशाने पर है, लेकिन जब देश भर में घुमा तो पता चला कि असम हो या पश्चिम बंगाल, चाय उगाने से लेकर चाय बनाने तक जो भी चाय से जुड़ा है उसकी तरफ ये देखना भी पसंद नहीं करते। वरना क्या कारण है कि दुनिया को मशहूर असम चाय पिलाने वाले 7 दशकों तक परेशानी में रहे, उनको मूल सुविधाएं तक नहीं मिल पाई। साथियों, चाय वालों का दर्द ये चाय वाला ही समझ सकता है। इसी का परिणाम है कि दशकों के इंतजार के बाद पहली बार यहां के चाय वालों के बैंक खाते खुले। चाय जनजाति के लाखों परिवारों को 2 किस्तों में 5,000 रुपये की मदद दी गई। चाय बागान के 4 लाख परिवारों को मुफ्त में चावल और 2 रुपये किलो चीनी देने का फैसला भी एनडीए की सरकार ने ही किया है। चाय बगानों में काम कर रही प्रसूता माताओं को एक मुश्त 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं। और मैं आपको ये भी भरोसा दिलाता हूं कि ये सुविधाएं आपसे अब कोई छीन नहीं सकता है। मेरे शब्द लिख के रखिए। और इसलिए किसी भी तरह के भ्रम में मत आइएगा, आपका ये चाय वाला आपके जीवन को आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।